को भी एक फटका पड़ता हुआ। तो यहाँ पर फाइट जो है वो लगातार देखने को मिलती है एंड एनटीटी के प्लेयर्स, दो प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। दलजीत बहुत ही ज्यादा आगे चले गए, एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ जोनाथन के साथ जो पूरी की पूरी टीम है वो बची हुई है एंड यहाँ पे देखना होगा, घातक जो है फिनिश हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करने की जरूरत है। जोनाथन अकेले बचे हुए, वीरू और नियो को बचाने का कोई तरीका नहीं है। बहुत ही प्यारा स्प्रे वहां पे फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन वहां पे पूरी की पूरी टीम ऊपर आती है क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। तीन प्लेयर्स को उन्होंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है एंड वहीं पर क्रेटोस को मेरे हिसाब से रिवाइव कर लिया जाएगा। दलजीत आगे आते हुए, दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए एंड जोनाथन को यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। बहुत ही प्यारा लूसिफर का स्प्रे आता हुआ देखने को मिल सकता है एंड पूरी की पूरी जो टीम सोल है रेडी है, लेकिन मेरे को बीओ के बंदे रेडी नहीं लग रहे क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है। बियर्डो बिल्कुल खुले में भागते हुए एंड उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से प्लेयर्स जो है दोनों के दोनों यहाँ पे टीम सोल के बैठे होंगे एंड उनको फिनिश कर दिया पूरी तरीके से। एंड जब तक स्मोक आएगा, ओके यहाँ पे ग्रेनेड डाला, मेरे को लगा स्मोक डाला होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड डाला, कोशिश जरूर करें लेकिन वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। हल्के हल्के जो रॉक्स की जो रेजिस जो है वो यहाँ पे बनी हुई है एंड यहाँ पे देखना होगा टीम बीओ को बोलो किस तरह से, लेकिन एक सरप्राइज जो बियर्डो को दिया मतलब मानना पड़ेगा यार, बियर्डो एकदम खुले में भाग रहा है, खुले में एकदम मस्त, एकदम पूरा फेरी पेयर खाली है, चलो लूटो एंड सामने से दो बंदे एकदम से प्रकट हो गए दोनों के दोनों एंड फिनिश कर दिया, मतलब नॉक करके छोड़ा नहीं, फिनिश कर दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे टीम सोल को पहली किल मिलती हुई, लेकिन यहाँ पे बीओ को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कि बीओ जो है वो किस तरह से यहाँ पे फाइट लेती है लगातार यहाँ पे अपने आप को हीलअप करते हुए। चाय ओपी, यहाँ पे चाय का कमाल देखना होगा कि यहाँ पे टीम बीओ दिखा पाती है कि नहीं। रेक्स जो है वो काफी ज्यादा ओपन में, वाइपर बहुत ज्यादा ओपन में आ रहे हैं। ओके यहाँ पे इतना पहले स्पॉट कर लिया था रेक्स ने, उसके बावजूद वाइपर का बहुत ही तेज रिफ्लेक्सेस एंड यहाँ पे फिनिश किया जाएगा इस पूरी की पूरी यहाँ पे प्लेयर को। एंड वहीं पर अगर हम बात करें टीम बीओ की, तो यहाँ पे बीओ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। चाहे ओपी को वहां पे फिनिश बहुत ही प्यारा कर रही, डेड का फटका, क्लच गॉड को नॉकडाउन कर दिया एंड यही एक मौका है जहां से जो टीम बीओ है वो गाड़ी लेके निकल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहां पे गाड़ी निकाल पाओगे। तो बीओ पूरी तरीके से फंसी हुई है एंड यहाँ पे ओके फिलहाल के लिए यहाँ पे नाजी साइको जो है वो निकल जाएंगे और मॉर्टल एक साथ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वाइपर और रेगल्टॉस की, बगी है, बगी काफी डेंजरस है खासकर जो पीछे प्लेयर बैठा है उसके लिए। तो वाइपर को यहाँ पे देखना होगा कि वाइपर जो है वो किस तरह से पूरा का पूरा बचते हैं यहाँ पे। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात की टीम आरआईपी इनके सामने नजर आ रही है, आरआईपी के एक ही प्लेयर वहां पे उन्होंने खोया, लेजेंड को वहां पे खोया, लेकिन इनके सामने टीम सोल आती हुई एंड बहुत ही इजीली शिकार बन जाएंगे। वाइपर बिल्कुल जस्ट वहां पे बचते हो, अगर बगी यहाँ पे सीधी सीधी अगर चलाई होती तो वाइपर नॉकडाउन हो जाते, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पे टीम सोल के बाकी दो बंदे मॉर्टल एंड क्लच गॉड नहीं आए तो आरआईपी जो है वो यहाँ पे हैवी हो सकती है उनके लिए। लेकिन वाइपर बहुत ही गलत यहाँ पे गाड़ी रोकी है क्योंकि टेम्पेस्ट को एक मौका दे दिया है, टेम्पेस्ट को वहां पे लेट के नॉकडाउन कर दिया क्लच गॉड। तो बहुत ही प्यारा यहां पे रिफ्लेक्सेस क्लच गॉड की तरफ से देखने को मिलते हैं, अगर खड़े रहते तो वो नॉकडाउन हो सकते थे। स्काई को देखना होगा, घर के अंदर है वो भी दो प्लेयर के बीच में, वाइपर लगातार नॉकडाउन होते हुए। आरआईपी के लिए पूरा का पूरा जो खेल है वो थोड़ा सा पलटता हुआ, वहीं पर जो नरूटो है वो अकेले बचे हुए। तो टीम सोल यहां पे बहुत ही ज्यादा तेज यहाँ पे नजर आती है। वहीं पर आईएनडी क्रिटॉस भी पीछे आ चुके हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है टीम आईएनडी का देखने को मिल सकता है। टीम सोल अभी तक फाइट ले रही थी टीम आरआईपी के साथ, लेकिन अब फाइट लेना पड़ेगा टीम आईएनडी के साथ। तो टीम सोल वर्सेस टीम आईएनडी वर्सेस टीम आरआईपी, आरआईपी नरूटो सिर्फ अकेले बाकी है मेरे हिसाब से, तो उनको सिर्फ मैच एंजॉय करना चाहिए। ऊपर से आईएनडी का बहुत ही यहाँ पे एग्रेशन वाला मूव है, 9 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दो टीम्स को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। सोल क्या दोबारा से, क्या हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी यहाँ पे, कल वाली हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी जहां पर जो टीम आईएनडी थी वो टीम सोल के ऊपर पूरा का पूरा भारी पड़ गई थी, या फिर टीम सोल अपना बदला ले पाएगी। रेगल्टॉस जो है वो नॉकडाउन हो गया, पूरी की पूरी जो ग्रेनेड की भरमार है, ग्रेनेड की बारिश हो रही है इस टाइम पे, रेगल्टॉस को बचाना यहाँ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, किसी भी तरह का कोई रिवाइवल यहाँ से पॉसिबल नहीं है। क्रिटॉस यहाँ पे घुस के एकेम सप्रेस्ट के साथ फिनिश कर देंगे, दलजीत लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड मॉर्टल वहां पे उनको डिफेंड करने के लिए रुके हुए, देखना होगा यहाँ पे दो प्लेयर एक साथ घुसे। वहीं पर मॉर्टल थोड़ा सा पीछे जाते हुए मॉर्टल को नॉकडाउन किया, मॉर्टल ने भी एक प्लेयर को नॉकडाउन किया एंड जो वाइपर है वाइपर बिल्कुल उनके सामने, तो वाइपर भी यहाँ पे नॉकडाउन होते। तो टीम सोल के लिए जो टीम आईडी है यहाँ पे दोबारा से भारी पड़ती हुई, क्लच गॉड अकेले बचे हुए एंड मेरे हिसाब से ग्रेनेड जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक यहाँ पे क्लच गॉड के पास ग्रेनेड है नहीं। अब यहाँ पे देखना होगा टीम सोल रैंकिंग के लिए जाती है, बिल्कुल क्लच गॉड को यहाँ पे जो विजन है वो उनका बिल्कुल
सामने है कि यहाँ पे अपनी टीम को रैंकिंग निकालनी पड़ेगी। वाइपर क्लच गॉड के ऊपर पूरा का पूरा स्प्रे होता हुआ, उनके पास हेल्थ भी नहीं है, एंड दलजीत का स्कारल का स्प्रे आते हुए इसी के साथ टीम सोल यहाँ से वाइप आउट हो जाएगी। ही गेम प्ले दिखाती हुई, बिल्कुल एग्रेशन वाला गेम प्ले दिखाती हुई, एंड जो 14 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये मैच में, अभी भी 23 बंदे बाकी है के लिए। यहाँ पे पूरा का पूरा फाइट देती हुई, एंड देखना होगा कि कितने किल्स यहाँ से निकाल पाते हैं वाइपर। जोकर के पैराडॉक्स ऑस्टिन एक्स को वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया, तो सिनर्जी की दो टीम्स आती है। बीआरडीएफ, तो बीआरडीएफ यहाँ पे स्ट्राइडर बिल्कुल सामने थे यार, तो यहाँ पे बीआरडीएम का कवर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वहीं पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर यहाँ पे पहुंचते हैं, मावी को अच्छे से पता है इजीली यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। तो टीम सिनर्जी का एक लाइनअप जो है यहाँ से फिनिश हो जाएगा। वहीं पर सिनर्जी का जो दूसरा लाइनअप है ग्रीन कलर में हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही ग्रेट स्पॉट पे वहां पे रुका हुआ है। टीम ओआर को यहाँ पे लगातार किल्स मिलती है, 5 किल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। वहीं पर लगातार ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, ओआर का डायरेक्ट रश यहाँ पे टीम सिनर्जी के ऊपर। तो टीम सिनर्जी डिफेंड कर पाती है कि नहीं कर पाती, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वहां पे M249 के साथ है, यही है इस पूरे रश की जो स्पेशलिस्ट गन है। वहीं पर मावी नॉकडाउन जो प्लेयर है ऑलरेडी, उसको फिनिश करने के चक्कर में मावी वहां पे नॉकडाउन होके फिनिश हो गए पूरी तरीके से। वहीं पर जो टीम सिनर्जी है, वशु और डेस्ट्रो दोनों के दोनों नॉकडाउन है। वहीं पर दूसरी तरफ गोल्ड ब्लेड, उन्होंने वहां पे नॉकडाउन किया, पीछे से आईएनडी के प्लेयर्स भी आ रहे थे। तो दो तरफ यहाँ पे मार खाती हुई टीम सिनर्जी, पहले अपने आप को पूरी तरीके से हील अप करेंगे। वहीं पर एक बार पहुंचते टीम आईएनडी वर्सेस टीम सिनर्जी के सिचुएशन पे। वहीं पर दूसरी तरफ एक जो टीम है टीम टीएचसी, उनको एक अच्छा सा स्पॉट यहाँ पे मिल गया। वहीं पर ट्रांस के ऊपर भी पूरा का पूरा स्प्रे ट्रांसफर करते हुए दलजीत यहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से हील अप कर लेंगे। टीम आईडी अभी भी अलाइव है, 15 किल्स निकाल चुके हैं, 3 प्लेयर के साथ अभी भी बची हुई। टीम टीएचसी सर्कल के अंदर पहुंच रही है, पूरी टीम तो नहीं लेकिन वेनम जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन वो इंतजार करें अपनी टीम के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करें। वहीं पर एक बार चलते हैं सिनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से ऑरेंज रॉक को एक तरफ और दूसरी तरफ जो पीछे टीम आईडी आ रही है उनको जिस तरह से माल के रखा है, मानना पड़ेगा टीम सिनर्जी। एंड यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि जिस टीम सिनर्जी जिस स्पॉट पे बैठी है वो एक ऐसा स्पॉट है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्कल है वो रहने वाला है, तो उसी का पूरा एडवांटेज यहां पे टीम उठा रही है। यहां पे देखना होगा कि टीम सिनर्जी कितने किल्स के साथ वहां पे फिनिश करती है। एंड ऑरेंज रॉक के जो संधू है फिलहाल एक डिफरेंट स्पॉट पे, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वहां पे कोई ना कोई प्लेयर जो है वो जरूर हो सकता है, पूरे तरीके से एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। वेनम वहां पे एक तरीके से दिखे तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो स्पॉटेड है। एंड आईएनडी दलजीत यहाँ पे नॉकडाउन होते हैं, तो M249 मेरे को पता नहीं लग रहा कि वो रिलोड कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगातार M249 का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए, एंड जो जिस तरह की स्पेशलिस्ट जो गन है ये, एंड बिल्कुल सही बंदे के हाथ में ये लगी है तो यहाँ पे बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर आईएनडी लगातार अपने प्लेयर्स को यहाँ पे रिकवर करते हुए, दलजीत को दोबारा से यहाँ पे उठा लिया गया है। ट्रांस यहाँ पे लगातार स्मोक वॉल्स बनाते हुए, एंड वहीं पर लूसिफर कैरी ने वहां पे वेनम को खत्म कर दिया। तो वी आर डाउन टू टॉप 3 टीम्स, जहां पे टीएचसी जो है 4th नंबर पे फिनिश करेगी। एंड वहीं पर अगर हम बात करें कि आखिरी 3 टीम का पूरा फाइट, टीम सिनर्जी बिल्कुल बीच में फंसी हुई, दोनों तरफ से बिल्कुल प्रेशर है उनके ऊपर। ओआर के 3 बंदे उनके दूसरी तरफ बैठे हैं, टीम आईएनडी के 3 बंदे दूसरी तरफ से उनको पूरा का पूरा सप्रेस कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कौन सी टीम यहां पे निकल पाती है। ट्रांस बिल्कुल सर्कल के बाहर हीलिंग गेम चल रहा है, एंड वहीं पर दलजीत और लूसिफर के पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, आते ही नॉक हो गए। टीम सिनर्जी का बहुत ही प्यारा यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस आता हुआ, तो 3-2 सिचुएशन। अब आप लोग मेरे को बताओ कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है, क्या वो टीम सिनर्जी होगी, क्या वो टीम ओआर होगी। ऑरेंज रॉक यहाँ पे राहुल भी नॉकडाउन होते हैं, एंड इसी के साथ पूरा का पूरा जो गेम है वो फिनिश हो जाएगा। एंड लगातार इस टूर्नामेंट के फाइनल में तीसरा मैच जीती हुई टीम ऑरेंज रॉक, एंड आखिर में जो किल्स निकाले मजा आ गया। एंड जिस तरह से पूरी टीम सिनर्जी ने होल्ड किया उसको देखकर भी काफी मजा आया, लेकिन वहां पे संधू ने 4 किल्स निकाले, कैरी ने 3 किल्स निकाले, मावी 2 किल के साथ, एंड एग्जिस्टेंस 4 किल के साथ टोटल नंबर ऑफ 13 किल्स निकाली। एंड ऑरेंज रॉक अगेन लगातार तीसरी बार इस ग्रैंड फाइनल के जो 6 मैच की पूरी सीरीज है उसमें लगातार तीसरा मैच जीते हुए। एंड